हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और जब आप अपनी कनाडा पीआर की जब आप सर्च कर रहे होंगे तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जो कि बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जैसे कहते हैं अपग्रेडिंग एज पर कैनेडियन एक्सपीरियंस या अपग्रेड फॉर कनाडा, राइट? तो अपने आप को अपग्रेड करने का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले एक मिनट में क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइज, अपग्रेडिंग बेसिकली मीन्स कि आपको कैनेडियन वे ऑफ लाइफ कैसे बिताते हैं, राइट, उनका कल्चर क्या है वो सीखना। सेकेंडली, आपको कैनेडियंस के साथ डील करना कि किस तरीके से हम लोग कैश, चेक्स, पेमेंट्स, है ना, किस तरीके से हम लोग अपने टाइमलाइंस, डे इन डे आउट, पंच इन पंच आउट करते हैं, उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सीखना। और थर्ड, अगर आपकी इंग्लिश उस लेवल तक नहीं है, मे बी आपका एक्सेंट वैसा नहीं है या फिर आप उस तरीके के स्लैंग्स को नहीं यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, लेट्स से लूनी टूनी डबल डबल, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक एम्प्लॉयर या फिर आपको यू नो एज फ्यूचर पीआर होल्डर्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। तो इस सब जानकारी को इकट्ठा करना या फिर इस सब चीज़ों को यूज़ टू होना, उसको कहते हैं एक तरह से अपग्रेड करना। नाउ अपग्रेड को थोड़ा सा एक अलग मींस में भी लिया जा सकता है या फिर कैसे किया जा सकता है, उसको बेसिकली कहते हैं कि या तो आप कोई ब्रिजिंग कोर्स कर लीजिए यहाँ पे आके, राइट, बड़ी सारी सेटलमेंट एजेंसीज हैं जो आपको ब्रिजिंग कोर्सेज कराती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या फिर बड़े नॉमिनल कॉस्ट पे होती हैं। सेकेंड वे ऑफ अपग्रेडिंग इज़ बेसिकली आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर लीजिए या फिर कोई लाइसेंस ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आके लाइसेंस लिया, राइट, तो आप वैसा कुछ लाइसेंस ले सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा वे ऑफ अपग्रेडिंग इज़ अगर आपको कोई आपके मनपसंद आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो भी आप यहाँ की एक रेगुलर एक एंट्री लेवल जॉब कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक कैनेडियनाइज होने का तरीका मिल जाएगा, राइट, वो अपग्रेडिंग का तरीका मिल जाएगा। बट इन द ट्रूएस्ट सेंस अपग्रेडिंग मींस आपको वो स्किल सेट, वो पढ़ाई या फिर वो नॉलेज या फिर वो लाइसेंस लेना ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें एंड कैनेडियन वे आप सीख सकें। ओके, नाउ गाइस, किसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है बेसिकली? अगर तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि अगर तो आप आईटी फील्ड में काम करते हैं देन यू आर गुड, आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज लॉन्ग एज आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कैनेडियन सिक्योरिटीज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप यहाँ के ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप यू नो आप एडवाइस दे सकें। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो सेम चीज़ अप्लाई करती है, इनफैक्ट आपको कोई सर्टिफिकेशन करनी ही पड़ेगी और आपको रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ इवन मोर इंटेंस। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको इतना ज़्यादा अपग्रेड का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप मार्केटिंग में तो भी इतना नहीं है क्योंकि आज की डेट में मार्केटिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग ओनली, राइट। तो अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में हैं तो आपका बेसिक लोकल वर्क एक्सपीरियंस जो आप कनाडा में इकट्ठा करेंगे उतना शुड बी सफिशिएंट। बट आई हैव सीन पीपल इन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स गेट जॉब अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स ऑब्वियसली गेट जॉब्स डायरेक्टली एंड जॉब्स के साथ साथ वो अपग्रेडिंग वाला पार्ट वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए। ऑल द बेस्ट।